नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। रुक करते हैं खबरों का। तो खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में उस समय स्थिति असामान्य हो गई जब अचानक 700 लोग गाडरवारा के जगदीश वार्ड से कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल 700 लोगों ने अपने आवास को बचाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर को दिया। दरअसल पूरा मामला नरसिंहपुर की गाडरवारा तहसील के जगदीश वार्ड से जुड़ा है। यहां पर भारत सरकार द्वारा कुछ भूमि सेना के लिए आरक्षित कर रखी थी, जहां बीते 60 वर्षों से लगभग 200 से अधिक परिवार निवास करते आ रहे थे। साथ ही परिवारों के द्वारा वहां अपने कच्चे एवं पक्के निर्माण किए गए हैं। यह भूमि नगरपालिका क्षेत्र में आती है, जिसमें नगरपालिका द्वारा रोड, नाली, पानी, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। बीते कुछ दिन पूर्व से उक्त भूमि को सेना के अधिकारियों द्वारा खाली कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और भूमि का सीमांकन कर चिन्हित किया गया है, जिसके बाद लोगों को अपने आवास को लेकर भय और चिंता सताने लगी है। साथ ही लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि प्रश्न उनकी जन्मभूमि और आवास से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर आज लगभग 8 बसों सहित कई अन्य चार पहिया वाहनों से 700 से अधिक लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर को दिया एवं उक्त भूमि को खाली कराए जाने की कार्रवाई को रोकने का निवेदन भी किया। जब मीडिया से लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि वह जन्म से उस स्थान पर निवास कर रहे हैं और उन्हें अब सेना के द्वारा खाली करने को कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वह कहां जाएंगे? इसके लिए उन्होंने शासन से अपील की है कि उक्त भूमि पर इन्हें पट्टे दिए जाएं, क्योंकि यह उनका अधिकार है और यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। वहाँ की जनता जो कि 40-50 सालों से विगत मिलिट्री पड़ाव पर अपना निवास कर रही थी, पूर्व में अभी कुछ मिलिट्री के अधिकारी आकर जगह को अपनी चिन्हित कर गए हैं, उसको लेकर वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। उसी आक्रोश को आज सारे सामूहिक इकट्ठे होकर कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, राजनाथ सिंह जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि हम लोगों को वहाँ पर पट्टे प्रदान किए जाएँ, क्योंकि सब गरीब लोग होंगे वहाँ पर निवासरत हैं। नगर पालिका द्वारा वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं, रोड, नाली, बिजली, पानी, मतदान करने का अधिकार है, मकानों में नगर पालिका द्वारा नंबरिंग की गई है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर दी गई हैं। और जब मकान हमारे पूर्वजों ने बनाए थे तो कभी किसी कोई शासन प्रशासन ने उनको नहीं रोका। लगभग कितने वर्षों से आप लोग हैं वहाँ पर? वहाँ पर हम लोग 50-55 साल हो गए हमारे पूर्वजों को रहते हुए। आज कितने लोग आए थे, किस साधन से आए थे? आज हम लोग कम से कम 8 बसों को लेकर आए थे, कुछ 2-व्हीलर से आए, कुछ 4-व्हीलर से आए, ऐसे हम 700-800 लोगों की संख्या में। हमारे इधर पे मिलिट्री पड़ाव की जगह है, उस पर अभी कुछ समय पूर्व मिलिट्री वाले आए थे और वो कुछ जगह पे चिन्हित करके गए हैं, जबकि इन 50 से 55 सालों में आज तक कोई मिलिट्री नहीं आई, कोई निशान लगा नहीं आया। नगर पालिका द्वारा वहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। हम माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया के नाम एक ज्ञापन सौंपने आए कि हमें हमारी जमीन पर हमें रहने दिया जाए और हमें वहां का पट्टा दिया जाए। अब देखना होगा क्या इन ज्ञापनों के बाद सेना के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर रोक रक्षा मंत्रालय के द्वारा लगाई जाएगी या फिर अपने आवास से बेघर हो जाएंगे गाडरवारा के जगदीश वार्ड में रहने वाले निवासी।